दोस्तों आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि सेक्स समस्या जो इरेक्शन प्रॉब्लम होती है और शीघ्रपतन होती है उसको कैसे डायग्नोज करके उसको परमानेंट ठीक किया जाता है। तो उससे पहले आपको हम पेशेंट हैं जो उनकी तकलीफ है उसको सुनते हैं, फिर पूरी केस को एनालाइज करेंगे, फिर कैसे ठीक करना हम समझाएंगे आपको। स्टार्ट करो, क्या तकलीफ है आपको? यूनियम टच होते हैं, डिस्चार्ज होता है। हाँ, तो शीघ्रपतन हो गया जी। और क्या तकलीफ है सर? कुछ सालों से तनाव कमी आ रही है। तनाव कमी आ रही है, और क्या तकलीफ है? बस यही। तो देखो क्या होता है कि आपको उम्र कितना है? 30। शादी हुई नहीं हुई? जी नहीं। तो देखो क्या है कि आपको दो समस्या है, ये तो आपको जल्दी निकल जा रहा है, दूसरा आपका कड़ापन कम है। तो देखो क्या होता है कि जो शीघ्र पतन होता है ये बहुत कॉमन समस्या है, कम से कम 60-80% बॉयज के अंदर होता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि किसी किसी के ब्रेन के अंदर एक सेक्स सेंटर होता है, उसके अंदर केमिकल होता है सीरोटोनिन। जब केमिकल कम होता है तो बॉय के अंदर एक्साइटेशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लड़की को देखते ही, सोचते ही, या हाथ से जब भी हाथ करने की कोशिश करता है तो उत्तेजना बहुत तेजी से बढ़ती है। और दूसरा डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड, मतलब किस एक्साइटेशन में डिस्चार्ज होना, वो भी काफ़ी नीचे आ जाता है, तो जिसकी वजह से जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो पहला होगा सीरोटोनिन केमिकल कम होना, दूसरा होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। जो लड़के यंग एज पे बहुत तेजी से हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो उनका सेक्स सेंटर फास्ट डिस्चार्ज को हैबिचुअल हो जाता है, इसे बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। उसके अंदर ऐसा लर्निंग होती है सेक्स सेंटर की कि जब भी आपको करना है सेक्स की तरफ तो फर्स्ट डिस्चार्ज करना है। थर्ड होता है हेड सेंसिटिव होना, किसी किसी हेड बहुत सेंसिटिव होता है, उसके पेनिस के हेड के अंदर एक सब्सटेंस पी बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये गुदगुदी देता है, टिकल करता है, अनकंफर्ट देता है, और ऐसे में जहां सेक्स कर जाता है, जहां टच करेगा टिकल कर फट निकल जाएगा। तो थर्ड बोलते हैं सेंसिटिव ग्लांस या सेंसिटिव हेड। फोर्थ होता है कि यूरिनरी ट्रैक पे कोई इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट में प्रोस्टेटाइटिस हो, या कुछ हार्मोन कमी हो, या सेक्स ज्ञान की कमी की वजह से मन में फियर हो। कोई लड़का हैंड प्रैक्टिस करता है, नाइटफॉल हो रहा, उसके मन में फियर हो तो ऐसे डरता हो जाएगा। जब डरता हो जाएगा तो ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल कुछ होते हैं जो कि सेक्स सेंटर की एक्साइटेबिलिटी बढ़ा करके डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड नीचे कर देते हैं, तो फर्श निकल जाता है। तो इसके लिए हम आपको टेस्ट कुछ किए हैं, उसका रिपोर्ट देखेंगे, उसके दवा लिख के देंगे। दवा जिससे सीरोटोनिन केमिकल बढ़ जाएगा, दवा मुश्किल 30-40-50 रुपये की दवा आएगी आपको, उससे सीरोटोनिन केमिकल बढ़ जाएगा। केमिकल बढ़ने से कम से कम 4 मिनट टाइम बढ़ा दूंगा मैं, पर 4 को आपको और लंबा करने के लिए आपको सेंसिटिव हेड वाले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुछ सेक्स थेरेपी टेक्निक जो बताऊंगा आपको, स्टार स्टॉप स्क्वीज टेक्निक कुछ है वो करनी पड़ेगी, जिससे आप 4-5 महीने के अंदर आप ठीक हो जाओगे। दूसरी समस्या आपकी है कड़ापन कम होने की, ये कब से कम हो रहा है? 4-5 साल से। अच्छा, तो कभी सेक्स ट्राई किया आपने कभी? जी, कब की बात है? मतलब बहुत कई साल पहले किया था, उसमें डिस्चार्ज जल्दी हो गया था, तो टाइट हुआ था उसमें, टाइट हुआ था। हाँ, और अब फिर दोबारा कब किया हमने? करीब 1 साल पहले, उसमें टाइट नहीं हुआ। देखो कड़ापन होने के कई कारण होते हैं, उससे मुख्य कारण होता है तो हार्मोन, सेक्स हार्मोन कम हो जाए। कई हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं लाइक टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, जो कि अगर कम हो जाए तो सेक्स पावर घट जाती है। इस तरह कुछ निगेटिव हार्मोन होते हैं लाइक प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन गड़बड़ी हो, एड्रेनल हार्मोन गड़बड़ी हो, हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन बनते हैं उसकी गड़बड़ी हो, इन सब हार्मोन कमी से भी पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है और कड़ापन कम हो जाता है, या पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होगा तो पेनिस टाइट कम होगा। इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हैवी स्मोकिंग हो, एक्सीडेंट हो, एथरोस्क्लेरोसिस हो, इसके बाद कुछ अदर डिसीज होते हैं जिसकी वजह से पेनिस की आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो के अंदर ब्लॉकेट आ जाता है, तो उसको भी हम दवा से फिर ठीक करते हैं। फिर होता है कि कुछ सिस्टमिक डिसीज हो लाइक लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कुछ बोन मैरो प्रॉब्लम हो, फिर हमारे ब्रेन के अंदर कुछ डिसऑर्डर होते हैं, एपिलेप्सी होते हैं, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, फिर कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक बीपी ड्रग्स होती हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स होती हैं, डिप्रेशन ठीक दवा होती हैं, ये सब सेक्स को इनहिबिट करती हैं।
फिर किसी को पेनिस के अंदर कभी ब्लीडिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं पेरिनल डिसीज, कभी कभी हैंड प्रैक्टिस दौरान कभी लड़के इसको फ्रैक्चर कर देते हैं, उससे भी आपका पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, या कभी कभी साइकोलॉजिकल फैक्टर कुछ हो जाते हैं कि मान लो कभी एक बार लड़का फेल हो जाए किसी वजह से भी, तो उसका फियर आ जाता है, या किसी लड़को हैंड प्रैक्टिस फियर होता है, नाइटफॉल फियर होता है, या लड़के लड़की बात करते पेनिस पानी आता है इसका फियर होता है, कई फियर की वजह से भी स्ट्रेस केमिकल निकल के ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। तो जैसा आपका हार्मोन चेक किया मैंने, और अभी हम आपका एक ब्लड फ्लो चेक करेंगे कि देखेंगे कि कारण क्या है। उसके बाद जान लो अधिकांश लोग अगर एज 45 से कम है तो ऑलमोस्ट अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, यंग लोगों में नॉर्मली क्योर लगभग सबका हो जाता है। टेस्ट करते हैं हम, टेस्ट पर जो भी कमी आती है हार्मोन टेस्टिंग, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, पेनिस ब्लड फ्लो चेक करते हैं, पोटेंसी टेस्ट करते हैं, सेक्स काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद मेडिसिन लिख के देंगे जो बाहर मार्केट खरीदोगे आप पे मेडिसिन भाई 40-50 रोज की दवाई की, इसके लिए भी इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए भी, उसके साथ साथ कुछ सेक्स थेरेपी देंगे जिससे कि आप परमानेंट ठीक हो पाओगे। समस्या पता क्या होती है, एक बार आप किसी वजह से फेल हो जाओ, चाहे ब्लड फ्लो कमी की वजह से, हार्मोन की वजह से, एक बार फेल हो गए तो मन में फियर आ जाता है, एक बार फेल होने के बाद मन में डर आ जाता है कि आज पता नहीं खड़ा क्यों नहीं हो, कोई कमी तो नहीं आ गई, चाहे किसी वजह से भी हो, चाहे एक बार फेल होने के बाद मन में डर की वजह से अगली बार जब भी जाओगे एक फियर आता है कि पिछली बार हुआ नहीं, आज पता नहीं होगा नहीं होगा, इस फियर की वजह से, इसे बोलते फियर ऑफ फेलियर, मन में डर की वजह से पता नहीं आज खड़ा होगा नहीं होगा, डर के मारे ब्रेन से निकलते स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कई केमिकल निकलते हैं जो पेनिस के ब्लड फ्लो कम कर देते हैं, ये शीघ्रपतन कर देते हैं। जब बार बार फेल होने लगते हो, दो चार बार इस डर के बाद फेल हो जाते हो, क्योंकि आप अगले बार जब भी जाते हो तो गर्भ टच करते हो लेकिन इंजॉय नहीं करते हो, क्योंकि दिमाग पेनिस लगा हुआ है कि पता नहीं टाइट होगा नहीं होगा, इस लैक ऑफ एंजॉयमेंट की वजह से प्लस फियर की वजह से आप टाइट नहीं हुआ, जब दो चार बार टाइट, पांच बार टाइट नहीं होता है तो आप डर जाते हो, और डर के मारे स्ट्रेस केमिकल कॉन्स्टेंट निकलता है जिससे आपका इवन मेल हार्मोन और गिर जाता है, सेल्फ डिजायर कम हो जाती है, रात को टाइट होना बंद हो जाता है, जब रात टाइट होना बंद हो जाता है पेनिस सॉफ्ट रहने लगता है बिकॉज स्ट्रेस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जब सॉफ्ट रहने लगता है छोटा हो जाता है तो मन में डर बढ़ जाता है। तो आप सब सब जान लो, एक बार हम पूरा कारण जानेंगे, हार्मोन टेस्ट ब्लड फ्लो सब चेक करके काउंसलिंग करके क्या कारण है, उसका दवा लिखेंगे। ऑलमोस्ट मोर देन 99% लोग अगर एज 45 से कम है तो 4-5 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग डरे मत, अगर आपको इस समस्या से आप सफर हैं तो आप डॉक्टर दिखाएं, पूरा जांच कराएं, पहले डायग्नोसिस करा के फिर दवा लें, और ध्यान रखें दवा हमेशा बाहर से लेना है, और कोई डॉक्टर बोलता है मैं अपने पास से दवा दूं तो इसका तो कुछ ठीक नहीं है, आप दवा लिख के दीजिए, बाहर खरीदें हम, बाहर मेडिकल स्टोर कर दें, आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं, कोई बोले दवा अपने पास खुद बनाता हूं तो आई थिंक ये ठीक नहीं है, आप टेस्ट करके डायग्नोसिस बनाएं, फिर प्रॉपर दवा बाहर से लीजिए, और जान लीजिए प्रॉपर डायग्नोसिस बना लेंगे तो जड़ से आप ठीक पक्का हो जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा वो दवा खाओगे टेम्परेरी इलाज होगा छोड़ो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो परमानेंट क्योर के लिए दवा के साथ साथ सेक्स थेरेपी लेना बहुत जरूरी होता है, 2-3 सेक्स थेरेपी सेशंस होते हैं जिससे मन का फियर खत्म हो जाता है और आदमी परमानेंट ठीक हो जाता है। आई होप इस नॉलेज को आप यूज करेंगे और आप अपने सेक्स प्रॉब्लम को ठीक हो पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें फोन करें, मेरे मोबाइल नंबर 9899180390 पर, या हमें ईमेल थ्रू कॉन्टेक्ट करें info@sexandhormonecenter.com, और हमें विजिट करें www.sexandhormonecenter.com। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में।